हेलो एजुकेटर्स, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी सही तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं डीपीपी नंबर 70 अल्टरनेटिंग करंट की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यह है आपके पास पहला क्वेश्चन। पहले प्रॉब्लम में क्या बताया गया है? ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2×10⁻²⁺ टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है B = 2×10⁻²⁺ टेस्ला। ठीक है, एक्ट एट अ राइट एंगल टू द कॉइल ऑफ एरिया, यानी इसके परपेंडिकुलर है और एरिया जो दे रखा है वो 100 cm² है, यानी कि 100 × 10⁻²⁴ मीटर स्क्वायर में, यानी 10⁻²² हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या दे रखे हैं? विद 50 टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके पास? 50। ठीक है, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज, और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो 0.1 वोल्ट है। ठीक है, ये सब गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और इसके परपेंडिकुलर है, एरिया हमने ये निकाल लिया मीटर स्क्वायर में, नंबर ऑफ टर्न 50 दिए हुए हैं और जो ईएमएफ एवरेज जो इंड्यूस हो रहा है वो 0.1 है। व्हेन इट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन टी सेकेंड, यानी टी सेकेंड के अंदर इसको हमने फील्ड में से रिमूव कर दिया है, यानी ये इनिशियल फील्ड है और फाइनल फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। रिमूव कर दिया यानी वहां से निकाल दिया गया है, तो उसका फील्ड जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, और टाइम टी बोला गया है, यानी कि डेल्टा टी जो है वो टी सेकेंड है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टी, यही हमें फाइंड करना है, ये कितना होगा। तो हमने फेराडे लॉ में पढ़ा है ई इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहां ई इज इक्वल टू क्या आएगा? एन बी ए अपॉन डी टी। ठीक है, ये फाइनल वाला रखेंगे हम, क्योंकि सॉरी इनिशियल वाला रखेंगे क्योंकि फाइनल तो आपके पास क्या हो गया है? फाइनल तो जीरो हो गया, पहले यही था, तो चेंज जो आया वो इतना ही रहेगा, इतने से जीरो हो गया तो जो चेंज आया वो इतना ही रहेगा। ठीक है, तो एन बी ए बाय डेल्टा टी, हमें टी फाइंड करना है। ई का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 0.1, एन नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, बी इनिशियल कितना है? 2×10⁻², और एरिया आपको दिया हुआ है 10⁻²² में अपॉन डेल्टा टी, ये टी है, ये हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए, तो t इज इक्वल टू ये उधर जाके 50×200 हो गया, यानी 10⁻²⁻²⁻², ये 10 और चला जाएगा तो 10⁻¹ और चला जाएगा, ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा? t इज इक्वल टू 10⁻¹ सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास टाइमिंग आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या बन रहा है? 0 पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।